एक गुरु का एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुदेव, आप कहते हैं कि मन को एकाग्र करो, केंद्रित करो। जब मैं ध्यान में बैठता हूं और मन को एकाग्र करने की कोशिश करता हूं, तो मन बाहर की ओर भागता है। जब मैं उठकर बाहर की ओर जाता हूं, तो मन ज्ञान और एकाग्रता की ओर भागता है। पेट भर जाए तो मन उपवास के बारे में विचार करता है, और उपवास करें तो मन भोजन की ओर भागता है। गुरुदेव, मेरा मन भटक रहा है और मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। गुरुदेव, मन को भटकने से कैसे रोकूं? गुरु मुस्कुराए और कहा, भटक जाना मन का स्वभाव है। मन कभी भी वहां नहीं होता जहां आप होते हैं। मन हमेशा वहां होता है जहां आप नहीं होते। वह हमेशा अज्ञात की ओर भागता है, और जो झांत है, जो मिल चुका है, उसे छोड़ देता है। इसलिए हमेशा जो नहीं है वह उसके पीछे ही भागता है, और हमेशा वह भागता ही रहता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, तब तो ध्यान लगाना और मन को एकाग्र करना संभव है। गुरु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहले वह है जो मन से छुटकारा चाहते हैं। जो लोग मन से छुटकारा चाहते हैं, वह जिंदगी भर भी कोशिश करें तो मन से छुटकारा संभव नहीं, क्योंकि मन से हम जितना भागते हैं, जितना इससे छूट जाना चाहते हैं, यह हमें उतनी ही जोर से पकड़ लेता है। इसलिए जो इससे छुटकारा चाहते हैं, वह कभी नहीं छूट सकेंगे। शीर्ष ने कहा, गुरुदेव, जो लोग मन से छुटकारा चाहते हैं, उन्हें मन से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि मन उन्हें और जोर से पकड़ लेता है। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आई। गुरु ने कहा, यह चीज समझने के लिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गुरु शिष्य को अपने साथ एक मार्ग पर ले गए। रास्ते में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या चाहिए? व्यक्ति ने कहा, मेरी कोई बड़ी इच्छा नहीं है गुरुदेव, मैं तो बस इतना ही चाहता हूं कि मुझे एक झोपड़ा मिल जाए रहने के लिए। मुझे बाहर खुले आकाश में सोना पड़ता है। बस इतनी ही इच्छा है? गुरु शिष्य को लेकर और आगे बढ़े। आगे एक झोपड़ी की बाहर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत परेशान हो रहा था। गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और उससे कहा, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरे पास एक ही झोपड़ी है, और हर बार जब भी बारिश आती है तो सारी झोपड़ी से पानी टपकता है। कल रात बारिश पड़ी और मैं पूरी रात सो नहीं पाया। काश मेरे पास एक पक्का मकान होता। गुरु अपने शिष्य को लेकर उस मार्ग पर और आगे बढ़ चले और एक व्यक्ति के घर पहुंचे। गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुम संतुष्ट हो, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, वैसे तो मैं संतुष्ट हूं, बस एक ही इच्छा है कि मेरा घर और बड़ा होता, ताकि मेहमान आते तो मैं उन्हें अच्छे से बैठा सकता था। शिष्य ने कहा, परंतु आपके पास तो पक्का घर है और इसमें बरसात का पानी भी नहीं टपकता होगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, परंतु अगर बड़ा घर होता, एक छोटी महल जैसा, तो मेरा सपना पूरा हो जाता। गुरु अपने शिष्य को लेकर और आगे मार्ग पर बढ़े। रास्ते में एक बड़ा घर दिखाई दिया। गुरु उस घर के द्वार पर पहुंचे और उस घर के मालिक को आवाज लगाई। घर का मालिक बाहर आया और उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरु ने कहा, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, तुम संतुष्ट हो ना? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं, सबसे बड़ा महल मेरे पास हो, जैसा कि यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी के पास है। उसका महल बहुत सुंदर है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। गुरु अपने शिष्य को लेकर उस बड़ी व्यापारी के पास पहुंचे। बड़ा व्यापारी अंधा था। गुरु व्यापारी के पास पहुंचे और उससे कहा, आपकी कोई इच्छा है या कोई सपना या कोई चीज जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए? व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, अब आपसे क्या छुपा है? यूं तो मैं यहां का सबसे बड़ा व्यापारी हूं और मेरे पास सब कुछ है, पर मैं अपने आप को बहुत गरीब पाता हूं। जिस दुनिया को एक भिखारी भी देख सकता है, जिन रंगों को एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी देख सकता है, उसे मैं नहीं देख सकता। मेरे जीवन में तो एक ही रंग है और वह भी काला। अगर मेरी सारी धन दौलत सब कुछ देकर भी मुझे आंखें मिल सके, ज्यादा नहीं, एक दिन के लिए भी, तो मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। चाउस व्यक्ति ने कहा, हां, परंतु अगर बड़ा घर होता, एक छोटी महल जैसा, तो मेरा सपना पूरा हो जाता। गुरु अपने शिष्य को लेकर और आगे मार्ग पर बढ़े। रास्ते में एक बड़ा घर दिखाई दिया। गुरु उस घर के द्वार पर पहुंचे और उस घर के मालिक को आवाज लगाई।
घर का मालिक बाहर आया और उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? गुरु ने कहा, तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं है, तुम संतुष्ट हो ना? उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मेरी एक ही इच्छा है कि मैं यहां का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं, सबसे बड़ा महल मेरे पास हो जैसा कि यहां के सबसे बड़े व्यापारी के पास है। उसका महल बहुत सुंदर है, हर कोई उसकी प्रशंसा करता है। गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम मुझे बताओ कि क्या यह सारे लोग गरीब हैं या इनमें कोई अमीर भी हैं? क्या वह सड़क पर रहने वाला या यहां का सबसे बड़ा व्यापारी? कौन अमीर और कौन गरीब? शीर्ष ने कहा, गुरुदेव कुछ समझ नहीं आ रहा। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी गरीब, और जिसके पास सब कुछ है वह भी गरीब। इन सभी के पास कुछ है, जो है वह उन्हें नहीं चाहिए, और जो नहीं है उसी की कामना, उसी का दुख, उसी की बीमारी। गुरु ने कहा, इन सभी को सुख चाहिए, जो सुख है वह इन्हें नहीं चाहिए, जो नहीं है वही चाहिए। यही तो मन है, यही तो मन की माया है, यही तो मन का व्यवहार है। यह सभी लोग मन से छुटकारा भी चाहते हैं और मन इन्हें बुरी तरह से पकड़ लेता है, यही मन का स्वभाव भी है। शिष्य ने कहा, इसका मतलब तो यही हुआ कि मन से छुटकारा कभी हो ही नहीं सकता। गुरु ने कहा, नहीं, मन से छुटकारा उन्हें ही मिलता है जो मन से छुटकारा नहीं चाहते। शिष्य ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। गुरुदेव मन से छुटकारा चाहेंगे तो मन और जोर से पकड़ लेता है, मन से छुटकारा नहीं चाहेंगे तो मन से छुटकारा मिल जाता है। पर जब चाहोगी नहीं तो वह छोड़ेगा क्यों? गुरु ने कहा, यह बात समझने की है। जिसने मन को समझ लिया, जिसने मन को जान लिया, उसे मन से छुटकारा की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जो नहीं जान पाया, वह जीवन भर बस छुटकारा पाने के चक्कर में ही रहा और मन के जाल में फंसता चला गया। अभी तुम जिन लोगों से मिले, वह सभी मन के जाल में फंस चुके हैं, और वह सब तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक कि यह सब लोग मन को समझना शुरू ना कर दें। ने कहा, गुरुदेव इस मन को कैसे समझा जा सकता है, इसे कैसे समझा जाए? गुरु ने कहा, हर चीज की एक खासियत होती है दुनिया की, हर चीज हमारा नुकसान भी कर सकती है। अगर हम उसके बारे में सही जानकारी नहीं रखते और हम उसका इस्तेमाल नहीं जानती, मन भी ऐसा ही है, वह बहुत शक्तिशाली है पर उसकी शक्तियां को हम जानते नहीं हैं। विवाह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर ही नियंत्रण कर लेता है और हमें इस प्रकार से फंसा लेता है कि हम उसके जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाते। जैसे अगर तुम किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई तेज चाकू दे दो तो वह उस चाकू से क्या बना सकता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव वह छोटा बच्चा उस चाकू से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है या किसी दूसरी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह उस चाकू के प्रयोग से अनभिज्ञ है। गुरु ने कहा, और अगर उस चाकू की जानकारी उसे हो? तब शिष्य ने कहा, तब वह चाकू का सही इस्तेमाल कर सकता है और इससे किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा, बल्कि वह इसका सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद या अपनी मदद कर सकता है। गुरु ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, तुमने मन भी ऐसा ही है, यह दो उधारी तलवार की तरह है। अगर तुमने इसे नहीं समझा, नहीं जाना, तो यह तुम्हें हमेशा लहूलुहान करता रहेगा और तुम्हारे ध्यान उसे उसके मन से परिचित करा सकता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूं, मन को दोष देकर भागा नहीं जाता, उसको समझकर सही इस्तेमाल करना हमारा जिम्मेदारी है।